हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताने वाली हूँ 40 चेस्ट के लिए। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, तब आप समझ पाएंगे। और उस ब्लाउज का जो नाप है 40 चेस्ट के लिए वो इस तरह से है, 14.5 इंच लंबाई है, 14.5। उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन जोड़ लेंगे नीचे की उलट पट्टी और ऊपर के मार्जिन के लिए 1.5 इंच। आप चाहें जो अगर ज़्यादा उलटते हैं तो 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। चेस्ट है 40, तो उसका हम 1/4 निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 10 इंच। और उसमें हम मार्जिन जोड़ देंगे 1.5 इंच। मार्जिन भी आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप 2 इंच जोड़ें, 1 इंच जोड़ें, जो भी आपकी इच्छा हो। 34 कमर है, मैं कमर के लिए कोई शेप नहीं देती हूँ, दोनों डार्ट में और मार्जिन में रख लेती हूँ। शोल्डर है हमारे 15 इंच। अब ये जो शोल्डर है गले पे डिपेंड है, आपका गला अगर बंद है, कॉलर वाला है, तो आप एग्जैक्ट 15 लेंगे। और अगर गला 5-6 इंच है, यानी कि छोटा है, मीडियम साइज, तो उसके लिए हम शोल्डर ले लेंगे 12 इंच। और यही गला अगर आप डीप बनाते हैं, इसमें इस ब्लाउज में अगर आप डीप गला बनाते हैं 8-9 इंच या उससे ज़्यादा, तो ये हमारे शोल्डर हो जाएंगे 11 इंच। तो हम जो है इस गले में, इस ब्लाउज में जो हमें गला बनाना है 6 इंच बनाना है, तो हम उसका शोल्डर 12 लेंगे और अगर 8-9 बनाएंगे तो 11 इंच। स्लीव की जो लंबाई है 6 इंच है, हम उसमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.5 इंच। चौड़ाई 13 इंच है, जो कटिंग में हाफ में अगर हम नापते हैं तो 6.5 इंच है, उसमें मार्जिन जोड़ लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हम पीछे वाला हिस्सा शुरू करेंगे, हमारा 14.5 है बनी बनाई जो लेंथ है, हम उसमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंच। नीचे के लिए उलट पट्टी 1 इंच ली है मैंने, आप चाहें तो 1.5 इंच ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है और आपके कपड़े पर भी। अब हमारा जो चेस्ट था 40 चेस्ट, तो उसका जो 1/4 है 10 इंच, तो हम 10 पर मार्क लगा लेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे। इसमें हम मार्जिन जोड़ लेंगे 1.5 इंच। अब हम इसके शोल्डर ले लेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा है कि जो मीडियम साइज का गला है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसके लिए मैंने शोल्डर 6 लिए हैं। अगर आप डीप बनाते हैं 8-9 इंच, तो आप 5.5 ले सकते हैं। अब मुझे 6 इंच ही बनाना है पीछे का गला, तो मैंने 6.5 ले लिया है। और अगर आप 8-10-9 के बाद में जितना भी गला बनाते हैं 8 के बाद में, तो उसके लिए आप 5.5 लें। हमने 6 इंच लिया गला, शोल्डर जो है 6 इंच लिया है। और उसके बाद आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है, क्योंकि शोल्डर मेरे ज़्यादा हैं इसलिए। और अगर आप ये शोल्डर यूज़ करते हैं 5.5 वाला, तो आप 5.5 ही आर्म होल के लिए ले लेंगे। तो गले के डीपनेस पे ये निर्भर करता है कि आप कैसा गला बना रहे हैं। अगर डीप बनाते हैं, शोल्डर कम लेते हैं, तो ये आर्म होल भी कम ले लेंगे, 5.5 ले लेंगे। और ये नॉर्मल नेक है, शोल्डर भी 6 लिए हमने, तो आर्म होल के लिए भी 6 इंच चाहिए, 1.5 इंच गुलाई देंगे इसे। अब आते हैं हम गले पर। अब हम गला कैसा बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये गले की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। चौड़ाई आप कितनी लेते हैं, जैसे 2.5 इंच अगर आप लेते हैं चौड़ाई, तो पट्टी लग सकती है, पट्टी वाला अगर गला बनाते हैं, क्योंकि पट्टी वाले गले में 1/2 इंच या 1/4 इंच जो है 1/4 इंच सिलाई के अंदर चला जाता है। और अगर आप पाइपिंग से गला बनाते हैं, तो आप 3 इंच ले सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग से जो गला है छोटा पड़ जाता है, बढ़ता नहीं है गला। पट्टी से जो हम गला बनाते हैं तो उससे वो बढ़ जाता है, तो मैं इसमें पाइपिंग से गला बनाऊंगी, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। अगर आप पट्टी लगाते हैं, तुरपाई वाली पट्टी, फोल्डिंग वाली, तो आप 2.5 इंच ले लें।
अब आप इसमें पीछे वाले टक्स के निशान लगा लें, जिसके लिए कोई निश्चित लंबाई दूरी या नहीं है, 5 इंच ले रही हूँ मैं। और उसके बाद ब्लाउज की लंबाई 14.5 है तो 4.5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। कमर और चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो तो आप ये टक्स जो है थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, या आधा इंच लिया है मैंने इसमें, 1/4 इंच तक भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे के लिए देख लेते हैं। आगे हमारा जो है, जो पीछे की हमारी लंबाई है टोटल 14.5, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, 15.5 ले लेंगे। अब हमारा चेस्ट का 1/4, 10 इंच। उसके बाद 1/2 इंच हम रखेंगे आगे की ऊन पट्टी बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा, और उसके बाद 1.5 इंच इसमें मार्जिन जोड़ लेंगे, यानी कि ये जो चीज़ है हमारी जो टोटल है वो हो जाएगी 12 इंच। यहाँ से हमने पिछला हिस्सा लिया था 11.5, अगला हिस्सा जो है 0.5 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। अब इसमें से मार्जिन को अलग करने के लिए एक निशान लगा लेंगे, हमारा जो 10.5 पर हमने लेना है तो 10.5 पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर जैसा कि हमने पीछे लिया 6 इंची लेना है, और 6 इंची आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। गला 3 इंच लिया हमने। हुक पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, 3 इंच हमने पीछे का गला लिया है तो 3 इंच ही हम आगे का लेंगे, पट्टी के लिए अलग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि भाई शरीर का जो शेप है पीछे शोल्डर की तरफ ज़्यादा चौड़ा होता है और आगे के लिए कम होता है, तो उस हिसाब से ओनली आप 3 ही लें। अब इस गले को गोलाई देते हैं। गला जो मैंने लंबाई में लिया है वो 6.25 इंच लिया है। यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे 1 इंच, आगे के हिस्से के लिए 1 इंच, पीछे के लिए 1.5 इंच। अब हम कटोरी कितने पे लेंगे ये आपको देखना है। साइज बड़ा है तो नेचुरली थोड़ी सी लंबाई भी ज़्यादा है, तो हम ये जो चीज़ है ऊपर के लिए 12.5 पर एक निशान लगा लेंगे। अगर ये चीज़ आप कम लेते हैं तो ब्लाउज ऊपर भी चढ़ सकता है, तो ये ज़्यादा कम नहीं लें, 12.5 ले लें, साइज़ ज़्यादा है इसलिए। यहाँ से तिकोना हिस्सा 1/4 इंच तक का, ये इस तरह से ये बेल्ट का तिकोना हिस्सा है 1/4 इंच, तो इससे हमारा बेल्ट होगा। अब लेते हैं हम इसकी कटोरी, जो हम ले लेंगे 6.5 इंच, टोटल 6.5 है। आगे के लिए हुक पट्टी वाला मार्जिन कुछ भी नहीं छोड़ा है, टोटल 6.5 लिया मैंने। ऊपर से गले से इसको लेना है आपको 5 इंच या 5.25 इंच। अब हम इसके आर्म होल पर आ जाते हैं। आर्म होल का जो हमने तिकोना हिस्सा जो हमने निशान किया है वहां से आप ले लेंगे 2.5 इंच। ये इस तरह से हमारी कटोरी का निशान लगा लेंगे हम, गोलाई दे देंगे उसको, 3 निशान लगाए हमने, उसे मिलाते हुए गोल कर लेंगे। फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रही हूँ, और मैंने अपने हर वीडियो में आपको कहा है कि अगर ब्लाउज पीस आप काटते हैं तो इतना कपड़ा नहीं होता है कि आप डबल 2 बार टुकिया जो वो कटोरी है वो 2 बार काट सकें, तो आप आगे वाला हिस्सा फरमाइश से बना लें और उसके बाद उसे रख कर कपड़ा कटिंग करें, अदरवाइज आपका ब्लाउज पीस से ब्लाउज नहीं बनेगा। किसी भी तरह का ब्लाउज पीस है तो उससे डबल कटोरी नहीं बनाई जा सकती है, तो आप कार्डशीट का प्रयोग कर लें, अखबार का प्रयोग कर लें आगे के हिस्से के लिए, और बाकी वाले हिस्से पीछे का हिस्सा वगैरह सेम रख लें, उसी से काट लें।
अब हमने जो बेल्ट लिया है, अगर आप नीचे पट्टी उलटते हैं तुरपाई वाली जैसे पीछे है, तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं। और अगर आप तुरपाई पट्टी नहीं लगाते हैं, सिंपल ब्लाउज है, तो आप इस तरह से डबल बेल्ट लगा सकते हैं। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब ये जो कटोरी है जो हमारी निकली है, उसे आपको इस तरह से सीधा नहीं रखना है, ओरेप बनाना है, उसे तिरछा रखना है। और हम इसे एज इट इज जैसा हमने काटा है वैसा का वैसा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और बता रही हूँ कि मेरे पास वीडियो बनाने के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। आपके पास इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हो, आप ब्लाउज पीस काट रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं काटें, परमा कटिंग कर लें पहले। अब हम इसे बढ़ाएंगे 2 इंच, दोनों तरफ 1-1 इंच बढ़ाएंगे। ऊपर गले की तरफ से बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, तिरछा बढ़ाना है। अब हमारी जो पट्टी है 5 इंच है, तो हमें 5 इंच ही रखना है, इसे भी नहीं बढ़ाना है बिल्कुल भी। ये 5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। इस साइड से भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे और ऊपर गले की तरफ से 1/2 इंच ओनली सिलाई वाला मार्जिन। और इस तरह से गोलाई दे देंगे, ये इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब आपको समझ में ना आए कि आपको कितनी कटोरी को बढ़ाना है, तो आप इस पार्ट को जहाँ हमें कटोरी जोड़नी है उसे रख लें और उसके बाद देख लें कि कितना बढ़ाना है। 1 इंच हमें यहाँ से बढ़ाना है इसे, और बीचों बीच से भी देख लें, 1 इंच 1/2 इंच तक बढ़ाना है। ये इस तरह से मैं गोलाई में ही काटती हूँ कटोरी। बहुत से जो है वो तिकोने इस तरह से काट तो बढ़ाते हैं कटोरी, लेकिन वो सब जगह जगह का फ़र्क है। हमारे यहाँ इसी तरह से कटोरी बनाई जाती है, और इसका और उस तिकोनी कटोरी का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी फिटिंग में। तो आप चाहें तो इस तरह से काटें, और अगर आप बीचों बीच से थोड़ा सा तिकोना रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे हमारी जो कटोरी बनी है ये 8.5 इंच है, 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि हाफ जो जाएगा 4.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा। अब हम इस पर 3.25 इंच का टक लगाएंगे और इसे लेना है 1/4 इंच में। ये 1/4 इंच चौड़ाई में लेना है। तो ये साइज पर डिपेंड करता है, अगर आपका साइज कम है तो आप इसे 1 इंच में भी लेते हैं, ले सकते हैं, और साइज ज़्यादा है तो बहुत से इसे ज़्यादा गहराई में बनाना चाहें तो 1.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम स्लीव लेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने 4 फोल्ड कर रखा है कपड़े को, 2 स्लीव के लिए 4 फोल्ड करेंगे तो 2 स्लीव बनेगी। सबसे फर्स्ट 1 इंच हमारी उलट, उसके बाद हमें चाहिए 6 इंच स्लीव, ये 6 इंच हो जाएगी, और उसके बाद उसमें रखेंगे 1/2 इंच मार्जिन, यानी कि ये जो टोटल हमने स्लीव ली है वो है 7.5 इंच। दूसरी साइड भी हम 7.5 पर निशान लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। हमने ये जो डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्ड जो किया है स्लीव के, वो 8.5 इंच चाहिए हमें, तो ये 8.5 इंच कर लेंगे हम इसे, और इसकी जो गोलाई देंगे 3.5 इंच पर। आगे से जो हमारी गोलाई है बाजू की, जो चौड़ाई या गोलाई जो भी आप कहते हैं, ये है 6.5 इंच यानी कि 13 इंच, उसका हाफ 6.5,
और प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन। तो आप जब फिटिंग देते हैं तब ये चीज़ वापस नाप सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 1.5 इंच लिया तो 1.5 इंच आप लगा लें, उस वक्त आप नाप सकते हैं फिटिंग देते वक्त। अब इसे 3.5 पर गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब आपको पता है स्लीव के आगे जो हिस्से हैं उसे हम गहराई देंगे, तो वो गहराई आप किस तरह से देंगे। कई बार कमेंट आते हैं कि जो फिटिंग करते वक्त स्लीव की जो सिलाई है वो दोनों मिलती नहीं है, आगे पीछे चली जाती है, तो वो इसी कारण से चली जाती है कि आप गहराई स्टार्टिंग से दे देते हैं। स्टार्टिंग से नहीं देनी है, जैसे ये फिटिंग वाली हमारी सिलाई है 1.25 इंच 1.5 इंच के बीच में जो अंदर मार्जिन आता है उतनी है, और उसके बाद से आप स्लीव को गोलाई दें। ये इस तरह से, इस निशान से आगे नहीं जाना है हमें, वो फिटिंग में आएगा तो वो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए आगे और पिछले हिस्से में, तो इस बात का ध्यान रखें तो आपकी जो फिटिंग में आप जो ऊपर नीचे आ जाती है सिलाई वो नहीं आएगी, बराबर आएगी। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को भी दबाएँ ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, जारी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।